नमस्कार, मैं सर डॉक्टर वैभव जैन। आज मैं एवी न्यूज़ के जरिए आपको दांतों और मुंह के संबंधित समस्याओं का समाधान और उसकी देखभाल संबंधित विचारों पर विमर्श करेंगे और आपको मैं कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने मौखिक स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसको चार चरणों में बांट लेते हैं, जैसे कि दांतों की सफाई और फ्लॉसिंग। दूसरा जो चरण होगा उसके अंदर हम जीभ की सफाई पर ध्यान देंगे। तीसरे चरण में हम माउथ वॉश आदि जो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में उन पर विश्लेषण से बात करेंगे। और चौथे चरण में हम सेल्फ एग्जामिनेशन और डेंटिस्ट एग्जामिनेशन, इन चरणों में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रशिंग। ब्रशिंग के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको शुरू से ही पता है कि हमें ब्रश दिन में दो बार करना चाहिए, परंतु आप मैंने जो आजकल की शेड्यूल्स देखे हैं बच्चों के और एडल्ट्स के, कि वो रात को टीवी और मोबाइल आदि में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि रात को ब्रश करने का वो एस्केप कर चुके हैं। परंतु मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ की बहुत ही अच्छी तरीके से आदत डाल लें कि मैं रात को ब्रश करके ही सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसके कारण से आप अपने मुंह से संबंधित समस्याओं से 50% तक निजात पा सकते हैं। इसके कारण ये है क्योंकि आप दिन भर खाते हैं, दिन भर पीते हैं, तो आपके दांतों में जो भी पार्टिकल्स हैं वो दिन भर में जमा हो जाते हैं और उनको रात को साफ करके सोना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो बैक्टीरिया रात को रह जाएं तो वो सुबह तक अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके आपकी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। तो आपको रात को ब्रश करके सोना ही है। ब्रश जब आप करते हैं तो उसके पीछे एक तरीका छिपा होता है कि इस तरीके से ब्रश किया जाए। अगर मैं बोलूँ आपसे ब्रश करना है तो आपको सिर्फ एक ही तरीका पता है, ब्रश लिया, सुबह पेस्ट लिया, इस पर लगाया और दांतों को रगड़ दिया। यह जो तरीका है यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप दांतों को एक टेक्निक की तरह साफ करेंगे तो आपको दांतों से संबंधित सड़न वो भी आपकी बहुत कम हद तक कम हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले अपने एक मॉडल है, इसमें आपको दांत दिख रहे हैं, और एक ब्रश है, इसमें आपको एक ब्रश लेना है। ब्रश में लोगों को ये पता है कि ब्रश मार्केट में वेरियस वेराइटीज़ के आते हैं, तो मैं एक नॉर्मिनल बात करता हूँ कि एक सॉफ्ट टूथब्रश, हार्ड टूथब्रश और एक होता है मीडियम टूथब्रश। सॉफ्ट टूथब्रश हम कब यूज़ करें? जब आपके दांतों से ब्लीडिंग होती हो, आपके मसूड़े से खून आता हो या आपको सेंसिटिविटी की समस्या ज़्यादा हो, तब आप एक सॉफ्ट टूथब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और हार्ड टूथब्रश का यूज़ आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास दांतों में स्टेनिंग, लाइक कुछ लोग पान गुटखा का सेवन करते हैं या इस तरह, तो उनके दांतों में जो स्टेन्स आ जाती हैं उनको हार्ड ब्रश का यूज़ करना चाहिए। मीडियम, अगर आपके नॉर्मल दांत हैं तो आप मीडियम ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रश पे टूथपेस्ट आप कितना लेंगे? ब्रश पे टूथपेस्ट जनरली लोग पूरा पेस्ट उतारते हैं, पूरे ब्रश के ऊपर लगा करके और करने लग जाते हैं, पर ये गलत है। आपको सिर्फ मिनिमम क्वांटिटी एक पी नट साइज, मतलब कि मटर के दाने के बराबर का पेस्ट इस्तेमाल करना है ब्रश के ऊपर। उस मटर के दाने के पेस्ट को लेकर के आपके दांतों को सर्कुलर मोशन में आपके बाहर की सतह को सफाई करेंगे, लाइक दिस, ये सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जब आप सफाई करेंगे तो आपके मुंह में झाग आने लग जाएगा। झाग आने के बाद आप अपने मुंह को खोल लें, उसके बाद सबसे पहले ऊपर के दांतों की पीछे की तरफ से सफाई करेंगे, पीछे की तरफ से, जैसे कि इस तरह। सफाई के जो पैटर्न होगा वो घर पे जैसे आप झाड़ू लगाते हैं स्वीपिंग मोशन, इसको बोलते हैं स्वीपिंग मोशन। आगे ले जाएंगे फॉरवर्ड और स्वीप कर देंगे, आगे ले जाके स्वीप करना है, सेम इस तरफ आगे ले जाके स्वीप करना है। जब पीछे के दांतों की सफाई हो जाए तो आगे की तरफ के दांतों की सफाई करें, आगे पीछे नीचे की तरफ, आगे पीछे नीचे की तरफ। ऊपर के दांतों को हमेशा नीचे की तरफ और नीचे के दांतों को हमेशा ऊपर की तरफ साफ करेंगे, इस तरह से। जब आप स्वीपिंग मोशन देते हैं तब आपकी कलाई और आपकी फिंगर्स का यूज हो रहा है, और अगर आप जनरली ब्रश करते हैं तो आपके शोल्डर्स और नी का यूज हो रहा है। इसको आप एक आर्ट की तरह माने कि एक आर्ट है, और आर्ट को आप कैसे करते हैं? पेंट ब्रश से बिल्कुल लाइटली और फिंगर्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह दांतों को जब आप साफ करें तो फिंगर्स का यूज़ और कलाई का यूज़, इसका ध्यान रखें। ब्रश हमेशा कांच के सामने खड़े होकर के ही करेंगे। अभी आप जब ये मोशन दे रहे हैं तो आपका ब्रश हॉरिजॉन्टल है, मतलब आड़ा है। अगर आप इसको वर्टिकल कर लें
या फिर इसको खड़ा कर लें, तब दांतों के अंदर के सतह की सफाई कर सकते हैं। 10 से 15 बार ऐसे करें, ये दांतों के अंदर की सफाई। ब्रश करने का जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में आपका ब्रश पूरा हो जाना चाहिए, ये नहीं कि घंटों लेकर के बैठे हुए हैं ब्रश। इससे आपके दांतों का इनेमल घिसेगा और आपको सेंसिटिविटी की समस्या बढ़ेगी। ब्रश जब आप करेंगे कांच के सामने खड़े होकर के, तब आपको इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ आएगी, पर बाद में उसमें आपको प्रैक्टिस जमेगी और आप 2 से 3 मिनट में ब्रश खत्म कर पाएंगे। ब्रश करने के बाद आपको एक फ्लॉसिंग की भी ज़रूरत होती है। ब्रश आपके दांतों की सतह से मेल तो निकाल देता है, परंतु फ्लॉस दांतों के बीच की सतह से मेल को निकालती है। फ्लॉस को यूज़ करने का तरीका, आप अपने इंडेक्स फिंगर्स में धागे फ्लॉस के धागे को ऐसे लपेट लें, ये किसी मेडिकल का आपको प्रोवाइड होगा। अपने थंब को यूज़ करके ऐसे दांतों के बीच में लगा के ऐसे सफाई कर सकते हैं, और इससे आपके फ्लॉसिंग भी आपके दांतों को फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन या सड़न से बचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम दांतों को साफ करने के लिए दूसरे तरीके को अपनाएंगे, और वो दूसरा तरीका है टीथ क्लीनिंग। बहुत से लोग ब्रश कर लेते हैं जल्दी से और तुरंत जा करके अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, परंतु मुंह की जो बदबू है वो हमेशा अपने को दो कारणों से आती है, एक तो दांतों में और मसूड़ों में गंदगी होना, और दूसरा जीभ पे गंदगी होना। अगर जीभ पे गंदगी है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया अपनी गंध को प्रोड्यूस करते हैं और वही सामने वाले को स्मेल आएगी। तो आप क्या करें, तो आप जब भी ब्रश करें तो उसके बाद आप दो तरीके से टंग को भी साफ कर सकते हैं। एक, जो आप ब्रश यूज़ करते हैं उसको डायरेक्ट टंग पर लेके जी बाहर करके इसको टंग पे ब्रश को फेरा सकते हैं, या दूसरे कुछ ब्रश ऐसे भी आते हैं जिनके पीछे टंग क्लीनर बना होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो है, टंग क्लीनर बाज़ार में अवेलेबल है, उनको लाइए, उसको बोलते हैं आप जीभ, उसको आप लाइए और उससे आप उसको सफाई करिए अपने जीभ के लिए। जीभ से सफाई करने के बाद आपके पास तीसरा जो तरीका आता है वो आता है माउथ वॉश का। माउथ वॉश एक सिंपल इस तरह की कलर्ड बॉटल आएगी, कलर्ड बॉटल में आप माउथ वॉश किस तरह से यूज़ करेंगे। माउथ वॉश जनरली लोग बोलते हैं कि ब्रश करने के तुरंत बाद भी यूज़ कर सकते हैं, या मैं तो ये कहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस देखा है कि इसको आप खाना खाने के बाद यूज़ कर लीजिए। खाना खाने के बाद आप इसको कैसे यूज़ कर देंगे, बॉटल खोली, एक ढक्कन लिया, उसको मुँह में डाला, मुँह में डालने के बाद उसको एक मिनट तक ऐसे गार्गल करेंगे, गार्गल करने के बाद उसको थूक देंगे, थूकने के बाद 10 मिनट तक सादे पानी से कुल्ला नहीं करेंगे, वही उसका इफेक्टिव टाइम होगा जो कि सारे बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस को किल करता है और आपके मुंह को फ्रेश बनाता है और दिन भर फ्रेश बनाए रखेगा। ब्रश और टंग क्लीनिंग और फिर माउथ वॉश। अब आप चौथे चरण में आएंगे कि दांतों की सड़न अगर आपको है तो आप कैसे पहचानेंगे। उसके लिए आपको खुद को सेल्फ एग्जामिन करना होगा। सेल्फ एग्जामिन कैसे करेंगे, कांच के सामने खड़े हो जाएं, अपने मुंह को खोलें। मुंह को खोलने के बाद आप देखें कि आपके कहीं दांतों पे कालापन तो नज़र नहीं आ रहा। अगर ऊपर के दांतों को देखें, ऊपर के दांतों में कालापन नज़र नहीं आ रहा। साथ में आपकी जीभ को बाहर निकालें, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखें, कहीं छाला तो नहीं हो रहा है। गाल पर देखें, कहीं वाइट लेजन्स या ब्लैक लेजन या रेड लेजन्स तो नहीं बन रहे। अगर ये सब चीज़ें आपको ठीक लगती हैं तो ये आपका सेल्फ एग्जामिनेशन बिल्कुल प्रॉपर है। अगर आपको कहीं कोई गड़बड़ नज़र आती है तो तुरंत डेंटिस्ट से संपर्क करें। सेल्फ एग्जामिनेशन हर 3 महीने में करेंगे, आपकी भी करें, और छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पता नहीं होता, इसलिए उनकी भी आप भी करें, पेरेंट्स ही करें। और सेल्फ एग्जामिनेशन करने के बाद हर 6 मंथ्स में एक डेंटिस्ट के पास भी आप रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएं। उससे आपको जो भी समस्या है या दर्द है वो आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा और आप उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये जो 4 चरण थे ये पूरे मुंह की सफाई के लिए, एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, दूसरा टंग क्लीनिंग, तीसरा माउथ वॉश, एंड फोर्थ इज रेगुलर डेंटल चेकअप। दिस ऑल फोर्स मेक्स यू अ हेल्दी स्माइल। थैंक यू।